हमारा मुखिया हमारी पंचायत। शुरू होने जा रहा है बिहार का सबसे बड़ा खुलासा, हमारा मुखिया हमारी पंचायत में। लोग चाहते हैं हमारा पंचायत सबसे अच्छा हो। लोग जानना चाहते हैं हमारे मुखिया और हमारे बोर्ड सदस्य की नीतियां क्या हैं, नियति क्या है और नियत क्या है। नमस्कार मित्रों, बिहार 24 सच से सामना में सच से सामना कराने के लिए आज एक पंचायत के प्रतिनिधि को हम अपने यहाँ आमंत्रित किए हैं। चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है, पंचायत चुनाव को लेकर पंचायतों में चहल पहल है। आज जिस व्यक्ति का मैं अपने स्टूडियो में आपसे परिचय कराना चाहता हूँ, उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि पर मैं दो लाइन बताना चाहता हूँ। पूर्णतः शिक्षक और शैक्षणिक वातावरण से हैं, इनके पूरे परिवार में सभी लोग देश सेवा में उच्च पदस्थ हैं और ऐसे में ये समाज सेवा करने के लिए अपने गांव में ही हैं। इनके बड़े भाई, पांच भाई हैं, ये बड़े भाई शिक्षक हैं, उनसे छोटे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI में अधिकारी हैं, तीसरे नंबर पर स्वयं धीरज कुमार हैं, चौथे नंबर पर CRPF में डिप्टी कमांडेंट है और पांचवें नंबर के सबसे छोटे भाई चर्चित अयोध्या, उत्तर प्रदेश का अयोध्या के वर्तमान में वो DM हैं, जिनका नाम अनुज कुमार है। अब इनकी पत्नी मुखिया अंजना देवी हैं जो स्वयं ग्रेजुएट हैं और धीरज कुमार भी ग्रेजुएट हैं। पाँच साल तक ये मुखिया रह चुकी हैं और पत्नी के साथ इनके पति धीरज कुमार भी हाथ कदम दर कदम मिलाकर पंचायत के विकास में काम करने का इन्होंने दावा किया है। आइए रूबरू करवाते हैं, उनका सच से सामना करवाते हैं, पाँच साल में उन्होंने क्या किया है और पाँच साल के बाद दोबारा जनता उनको क्यों चुने, ऐसे तीखे सवाल भी मैं उनसे पूछूंगा। हमारा मुखिया हमारी पंचायत। सिमरा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि आप धीरज झा हैं जी, स्वागत है आपका बिहार 24 में। जी धन्यवाद। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं जी, ताकि पंचायत के लोग यह जान सकें कि आप दोबारा चुनावी मैदान में क्यों आ रहे हैं। पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी बीते पांच वर्षों से जी आपकी पत्नी जी मुखिया हैं जी, ऐसा कौन सा काम आपने पांच साल में किया है कि आपको पंचायत के लोग फिर दोबारा वोट दे जी? क्या कोई काम अधूरा रह गया है जी, या आपने कोई अच्छा काम किया है? थोड़ा सा प्रकाश डालें, आपको क्यों दोबारा वोट दे लो जी? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि सिमरा पंचायत ऐसा पहला पंचायत है जहाँ बिना कमीशन के लोगों को आवास का लाभ, शौचालय का लाभ, पेंशन मिल रहा है एवं सरकार के द्वारा चलाए गए अनेक योजनाओं का लाभ बिना कमीशन के मिल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊँगा कि जब 2016 में मुखिया जी मुखिया चुनी गई, उसके बाद सरकार के द्वारा कूपन वितरण करवाने का काम दिया गया जिसमें पंचायत सेवक और हम लोगों के देखरेख में कूपन हर वार्ड में शिविर लगाकर किया गया। कूपन वितरण करने के बाद ऐसा पाया गया कि 250 परिवारों के लिए कूपन शेष बच गए, तो हमने इस बात का पता विभाग द्वारा लगवाया कि ऐसा क्या बात है कि 250 कूपन बच गए, ये कूपन किसका है? तो विभाग के द्वारा हमको सूची उपलब्ध कराया गया और उस सूची से पता चला कि ये सिमरा पंचायत के लोगों का ही कूपन है। ऐसा पहले भी होता था कि कूपन आता था, आवंटन भी आता था, लेकिन पहले के जनप्रतिनिधियों के मिलीभगत से उसका बंदरबांट कर लिया जाता था।
कूपन का दुरुपयोग किया जाता था, आवंटन का गलत उपयोग किया जाता था, सही लाभुकों को आवंटन नहीं मिलता था, अनाज नहीं मिलता था। ये महत्वपूर्ण काम हम अपने कार्यकाल में किया कि 250 परिवारों को राशन उपलब्ध कराया। जो लोग वंचित रहते थे उन लोगों को राशन नहीं मिलता था, वो लोग सफ़र करते थे। आपका कहना है कि आपके पंचायत में पिछले 5 सालों में जी बिना कमीशन के, बिना घूस दिए हुए लोगों को लाभ दिलाने का मैंने काम किया है, इसीलिए 5 साल के बाद मैं दोबारा आपके सामने आया हूं और लोग वोट दें। मैं एक चीज कहना चाह रहा था, आवास योजना जी हमेशा विवादास्पद रहा जी। किसी भी पंचायत में चले जाइए, वहां पर आवास योजना में बराबर कुछ न कुछ बातें आती हैं, कभी मुखिया पर, कभी वार्ड सदस्य पर, कभी किसी और पर। आवास योजना के बाबत आप क्या कहना चाहते हैं, क्या वो भी पारदर्शी रहा है? जी बहुत बढ़िया, आपने पहले भी हमारे बारे में लोगों को ये अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहा है कि ये ऐसे फैमिली से आते हैं जो प्रशासनिक सेवा में हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, देश का सेवा कर रहे हैं। तो हमारा भी कहीं ना कहीं ये ध्येय रहा कि हम समाज को सुविधा मुहैया कराएं, लोगों को बिना कमीशन के या बिना घुसखोरी के लोगों को लाभ मुहैया करवाएं। तो ऐसा चला आ रहा था कई वर्षों से, कई युगों से, और भी पंचायत में चलता है, यहाँ भी चलता आ रहा था। आवास योजना में धड़ल्ले से 10,000, 15,000, 20,000 ऐसा लिया जाता था। तो हमने ये बात पता किया कि आखिर ये पैसे क्यों लगते हैं, क्या ऑफिस वाले लेते हैं या बिचौलिया लेते हैं या पिछला जनप्रतिनिधियों की इसकी ज़रूरत होती है। तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि आवास योजना में लाभुकों को कमीशन लगना चाहिए, बिना कमीशन के काम नहीं होता था। तो हमने आवास सहायक के साथ सूची में जितने लोगों का नंबर आता था, तो आवास सहायक के साथ जाके लोगों के घर पे जाते थे, लोगों से कागज़ साथ लिया करते थे और लोगों को समझाते थे कि आवास योजना में पैसा नहीं देना है। अगर आप अपने काम, आपको जो पैसा सहायता राशि मिलती है उस राशि से अगर आप अपने घर बनाएंगे तो आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर बनाएं और सरकार का जो महत्वाकांक्षी योजना है आवास योजना उसका लाभ उठाएं तो आपको पैसा नहीं लगेगा। इस तरह से हम लोग सालों दर साल काम किया, लोगों ने घर बनाया, हमारे देख रेख में लोगों का घर बना, हमने टाइम टू टाइम लोगों को मॉनिटरिंग किया, लोगों को पैसा नहीं लगा, लोगों ने घर बनाया, हमारा पंचायत आवास योजना में कमीशन मुक्त है। वाह, आपने दावा किया आवास योजना हमारे यहाँ पूरे पारदर्शी तरीके से चला है जी, कि नहीं लोगों को कोई भी बिचौलियागिरी से बचाने का आपने प्रयास किया जी। जैसा कि आपको मालूम है ODF पूरे प्रखंड को बनाया गया जी, आपका पंचायत भी ODF है जी, शौचालय जी अगर हर घर में होगा जी तो पंचायत ODF होगा जी। क्या आपके पंचायत में हर घर में शौचालय बन चुका है जी, या आपने शौचालय बनाने की दिशा में अपने स्तर से कोई अतिरिक्त प्रयास किया है जी, बताया जाए? बहुत अच्छा सवाल है, सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत ऐसा सरकार ने आदेश दिया कि सबका शौचालय हो, सब शौच का उपयोग करें, शौचालय का उपयोग करें, बाहर कोई शौचालय न जाएं। तो ऐसा बहुत सारे परिवार थे जहाँ शौचालय तो लोग चाहते थे लेकिन उनकी जो स्थिति थी, उनकी जो परिस्थिति थी, वो खुद शौचालय अपने पैसे से नहीं बनवा पाते थे, इसीलिए वो लोग शौचालय शौच करने के लिए बाहर जाते थे। तो हमने ऐसा किया कि उनको किसी हार्डवेयर से या किसी वेंडर से ईंटा दिलवाया, मटेरियल दिलवाया और अपनी देख रेख में उनका शौचालय बनवाया। करीब हम अपने पंचायत में बहुत तो नहीं लेकिन 250 शौचालय हमने ऐसे कमज़ोर परिवारों को बनवाया जो अपने से नहीं बनवा पाते थे, न बनवा सकते थे, तो उनको सामान मुहैया करवा के शौचालय का निर्माण कराया। उसके बाद उनका ऑनलाइन करवा के उनको बिना कमीशन का उनको भुगतान करवाया। ऐसा तो 250 परिवार करवाया लेकिन हमारे पंचायत में करीबन 2100 आदमी को शौचालय का लाभ मिला। जो लोग खुद से शौचालय बनाए उनको शौचालय का भुगतान हुआ, बिना कमीशन का हुआ, किसी को एक पैसा भी कमीशन नहीं लगा, ये मेरा दावा है। चलिए धन्यवाद, आपका दावा अगर 100% सही है तो ये एक नज़ीर बन सकता है अन्य पंचायतों के लिए जी। आप ये कह सकते हैं कि आपके पंचायत में लगभग हर घर शौचालय युक्त हो चुका है?
या अभी भी कुछ बाकी रह गया? कुछ न कुछ तो बाकी है, इसीलिए आप दोबारा आना चाहते हैं, जो कमियां हैं उसको बहुत सारी बात अभी रह गई है, 5 साल में पूरा नहीं हो सकता है। सरकार का जो सिस्टम है वो सरकार एक बार एक पंचवर्षीय में सबको सब योजना का लाभ नहीं दे सकते हैं, इसीलिए लोग को समय लगता है और साल। बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जी, हर घर नल जल योजना जी, आपके पंचायत में हर घर नल योजना का क्या हालत है? क्या सभी लोगों को पानी मिला जी? विशेषकर मैं वार्ड नंबर 5 की भी बात करूंगा जी, जहां पर कुछ अधिकारियों के द्वारा जांच की गई थी जी, और कुछ मामला दर्ज करने की भी नोटिस भी किया गया है, नोटिस वगैरह सब किया गया है जी। आप अपने पंचायत में नल जल योजना के विषय में बताएं खुलकर जी। सही, बहुत अच्छा सवाल है। 14 वार्ड हैं हमारे पंचायत में, तकरीबन 13 वार्ड में जल नल योजना पूर्ण हो चुकी है और एक ऐसा वार्ड है वार्ड नंबर 5। तो इसमें सरकार की जो मतलब दिशा निर्देश थी वो WMC ही इसको काज करेंगे, हम लोगों का काम था मॉनिटरिंग करना। तो सरकार के दिशा अनुसार हम लोगों ने मतलब क्या रहेगा वो प्राकृत राशि जो एस्टिमेट मनी थी वो हम लोग समय से समय लोगों को वार्ड सदस्य को क्रियान्वयन समिति को उपलब्ध कराया। इसमें कुछ एजेंसी काम तो कुछ नया था, बहुत सारे वार्ड सदस्य को इसकी ज्ञान नहीं थी, बहुत सारे मुखिया जी को भी इसका ज्ञान नहीं था, एजेंसी वगैरह सब एजेंसी लोग पंचायत में आकर वार्ड सदस्य को, बहुत सारे वार्ड सदस्य आज भी सफ़र कर रहे हैं, कई पंचायतों में ऐसी हालत है, वार्ड सदस्य को भ्रमित करके कि आप हमारे साथ काम कीजिए, हम आपके काम को सही तरह से पूर्ण करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे एजेंसी थे जो वार्ड सदस्य को भ्रमित कर दिए, इसीलिए आज तक काज बाधित है, वो आज तक उनको ठग रहे हैं कि कल कर देंगे परसों कर देंगे, इसलिए हमारे 5 नंबर वार्ड में आज तक काज लंबित है। लेकिन आशा करता हूँ कि वो 5-10 दिन में वो काज पूर्ण हो जाएगी, लाभुकों को पानी मिलना शुरू, हर घर नल पानी जाना स्टार्ट हो जाएगा, ये हम दावा करते हैं और हम विश्वास दिलाना चाहते हैं। अन्य वार्डों की स्थिति ठीक है? अन्य वार्डों की स्थिति ठीक है। पंचायत की मुखिया आपकी पत्नी है जी, ग्रेजुएट है जी, फिर क्या कारण है जी कि पंचायत के विकास की बातों को कहने के लिए जी स्टूडियो में आप उनके पति हैं? बहुत अच्छा सवाल है। मुखिया जी नहीं आए जी, आप स्वयं आए जी, क्या महिला के इस उत्थान के दौर में जी उनको नहीं आना चाहिए था जी? मतलब थोड़ा सा हमारे दर्शकों को सही आपने सही सवाल किया, आना तो उन्हीं चाहिए था, कुछ असमर्थता के कारण वो ने आज नहीं आ सकी, तो मेरी पत्नी होने के नाते मैं भी उनके कामों को सहयोग देता हूँ, वो भी हमारे कामों में सहयोग देती हैं, पंचायत में स्वतंत्र रूप से वो काम करती हैं, स्वतंत्र रूप से वो सब कामों को मॉनिटरिंग करती हैं, लेकिन मेरी पत्नी होने के नाते और मेरा भी ये स्वभाव रहा है कि मैं समाज की सेवा में रहूं, लोगों को मदद करूं, इसलिए ज़्यादातर जानकारी होने के नाते मैं आया हूं। चलिए धन्यवाद। आप दोनों पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं जी, दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, पंचायत के विकास में लगे हुए हैं जी, आपके पूरे परिवार के लोग बाहर रहते हैं, बावजूद आपने गांव में रह करके गांव का काम करना शुरू किया जी, ये बातें अच्छी है जी, और इसके लिए आपको धन्यवाद। अब पंचायत में इस बार जी पत्नी जी मुखिया की प्रत्याशी होंगी या आप होंगे? नहीं इस बार नहीं, वो तो आरक्षण होने के नाते अच्छा, हमारी पत्नी ही दावेदारी करेंगी। ठीक है, अंत में सिमरा पंचायत के लोगों को जी आप कोई संदेश देना चाहते हो जी तो हमारे बिहार 24 सच से सामना के माध्यम से जी आप दे सकते हैं जी। आपका मैंने सच से सामना कराया है जी और उम्मीद करता हूँ कि आपका जवाब भी लोगों को पसंद आएगा। आप क्या संदेश देना चाहते हैं कुछ? मैं सिमरा पंचायत के सभी लोगों से, जितने भी मतदाता हैं, जितने भी लोग हैं, सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर इस 5 साल के दरमियान हमसे कोई भी भूल हो गई हो या हमारे किसी भी व्यवहार से आपको कष्ट हुआ हो तो हमें माफ़ कर दें
और एक बार और बहुत सारे काम रह गए हैं करने के लिए, जो हमारी इच्छा है कि हम इस काम को करें, इसके लिए हमें एक बार ज़रूर मौका दें। धन्यवाद। आपने देखा सिमरा पंचायत के धीरज कुमार झा, ये मुखिया के पति हैं। इनसे मैंने कई तीखे सवाल किए, उन्होंने जवाब दिया। ऐसा ही मेरा दौर जारी रहेगा। पंचायत चुनाव होने तक मैं आपसे वादा करता हूँ कि अधिकाधिक लोगों को अपने चैनल के माध्यम से सच का सामना करवाऊँगा और उनकी बातों से आपको रूबरू करवाऊँगा। एक निवेदन यह भी रहेगा कि पंचायत चुनाव में आप अपना वोट अवश्य डालें, आपके नज़र में जो सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार हो उन्हीं को चुनें। धन्यवाद।